रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, परम पवित्र पावन पितरों के दिन चल रहे हैं इस समय, और पितरों की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए सभी सनातन धर्म प्रेमी अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए जल, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन इत्यादि करते रहते हैं और कराते रहते हैं। आज हम इसी विषय पे आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आपको इन 16 दिनों के भीतर किसी भी तरह के कोई ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिनसे आपके पितर रुष्ट हों। तो क्या नहीं करना है आपको, आइए हम बताते हैं, आप लोग श्रवण करें। किसी अतिथि अर्थात आपके घर पे कोई अतिथि आए तो वह नाराज होकर के आपके यहाँ से ना जाए। पशु पक्षी इत्यादि आपके दरवाजे पर हों, कोई पशु हो, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, या आपको कोई चिड़िया हैं, कबूतर हैं, कौवे हैं, इनको आपको सताना नहीं चाहिए और किसी भी पशु को आपको मारना नहीं चाहिए। इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जो हम इन 16 दिनों में भोजन करें उसका भी बड़ा विशेष ध्यान रखना है। जैसे आपको अंडा, मीट, नॉनवेज, मांस, मदिरा, मछली, इन सभी वस्तुओं का परित्याग करना है, अर्थात इन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना है। अल्कोहल, जैसे आप शराब पीते हैं, उसको भी आपको छोड़ना है, वो भी नहीं लेना है। ऐसी वस्तुओं का आपको प्रयोग नहीं करना है। और खाने में विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे सरसों का साग ये आपको नहीं खाना है, बासी भोजन नहीं लेना है, चना ये भी नहीं लेना है, मसूर इसको भी नहीं लेना है, और लौकी या बचा हुआ रात का भोजन सुबह, ऐसी वस्तुओं का आपको इन 16 दिनों तक परित्याग करना है, नहीं खाना है। श्राद्ध के भोजन में ना इन वस्तुओं का प्रयोग करें और ना ही आप स्वयं भी इन वस्तुओं को ग्रहण करें। विशेष करके जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गई, कौवा हो गया, इनको तो विशेष करके आपको सताना ही नहीं चाहिए, इनको छेड़ना ही नहीं चाहिए, इनको कष्ट देना ही नहीं चाहिए। इन 16 दिनों के वैसे भी जीव को सताना नहीं चाहिए, जीव की रक्षा करनी चाहिए। कुत्ते को, गाय को, कौवे को, इनको पितरों से संबंध रखा गया है, इनके साथ में पितृ का संबंध होता है, इसीलिए गाय को, कौवे को, कुत्ते को बलि भी दी जाती है। तो इनको आपको सताना नहीं है, मारना नहीं है। एक बात और आपको बताऊं, बहुत से लोग जेवर खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, वस्त्र खरीदते हैं, ये सारी वस्तुएं मांगलिक कार्यों की जो होती हैं, या जैसे गाड़ी हो गई, आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, पितृपक्षों में आप गाड़ी ना लें। आप मकान बनाने जा रहे हैं, मत बनाइएगा। आप नया कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, मत खरीदिएगा। और ये नियम उनके ऊपर विशेष रूप से लागू होते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, उन लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल ही नहीं खरीदनी चाहिए इन 16 दिनों के मध्य में। और इसके साथ साथ परिवार में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा कलह का वातावरण ना उत्पन्न हो, परिवार में आपके द्वारा लड़ाई झगड़ा उत्पन्न ना हो, और विशेष करके दाढ़ी, बाल, नाखून, इन ये जो हमारे शरीर के, जैसे नाखून बड़े हो रहे हैं, आप कनागतों से पहले काटवा लीजिएगा, काट लीजिएगा, बाल बड़े हो रहे हैं आप उससे पहले कर लीजिएगा, दाढ़ी आपकी बड़ी हो रही है आप उससे पहले कर लीजिएगा, इन 16 दिनों के बीच में इन चीज़ों को भी नहीं काटना चाहिए।
नाखून नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए, गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, मकान नहीं खरीदना चाहिए, रजिस्ट्री नहीं करानी चाहिए, सोना नहीं खरीदना चाहिए, कोई नए वस्तु को नहीं लेना चाहिए। तो इन विशेष बातों का आपको इन पितृपक्षों में ध्यान रखना है। और अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए अगर आपके दरवाजे पर कोई भी भिखारी आ जाए तो उसे दुत्कार करके नहीं भगाना है। उसको अगर आप कुछ नहीं दे सकते, पहले तो यही करिएगा कुछ ना कुछ उसको दे दें हम। अगर आप नहीं दे सकते तो आप हाथ जोड़ लीजिएगा जी, आप जाइए कहीं और देखिएगा जा करके। परंतु आप उसको अपशब्द मत बोलिएगा। अपशब्द बोलने से उसके अगर कुछ उसने अपशब्द आपको बोल दिया या वो नाराज हो गया तो इसमें पितरों को कष्ट होता है। इसलिए इन विशेष छोटी छोटी सी बातों का आप ध्यान रखेंगे और पितृपक्ष में पितरों के लिए जल, पिंडदान, तर्पण इत्यादि करेंगे तो आपके जीवन में मंगल और आनंद होगा। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगा।